है। तुम्हारा सबसे फेवरेट सिंगर कौन है, जिससे तुम यहाँ तक सीख के यहाँ तक अभी तक आए और स्टेज को संभाल ले रहे हो, इतना सारे पब्लिक को संभाल ले रहे हो? आशीष यादव। अगर आपको मौका मिल जाए उसके साथ, मतलब मैरिज उरेज का, तो ऑफर मिल जाए तो आप उसको अपनाइएगा या ठुकराइएगा? क्या चीज का ऑफर? मुस्कान केटी का शादी उदी करने का? अपनाएंगे हम। अच्छा, तो मुस्कान केटी को कैसे कमाइएगा, कैसे खिलाइएगा आप? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मित्रों। और क्या कमा के खिलाइएगा? सिंगिंग लाइन से? हाँ, सिंगिंग लाइन से। नमस्ते नमस्कार, मैं यादव अनंतन। आप देख सकते हैं कि छोटे कलाकार कितना स्टेज को झुमा दे रहे हैं, सभी को नचा दे रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको इनका इंटरव्यू दिखाते हैं। धोड़ी पर हई रही 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 धोड़ी पर दिया बा बरू है गे, अभी ले पिया बा पढ़ो है गे। धोड़ी पर दिया बा बरू है गे, अभी ले पिया बा पढ़ो है गे। देखी के एकर रहनिया हमर माथा दर्द करू, दिल तोड़ी देनी आ जकर दवैया नहीं मिलो हौ। दिल तोड़ी देनी जकर दवैया नहीं मिलो हौ, हमार दिला वाला रो जैसे ती तुम्हार चैया लार हौ। नमस्कार, हम यादव नंदन। देखिए अब हमारे साथ मगही के छोटे कलाकार हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अजूबा सिंगिंग लाइन में कार्य किए हैं, अभी स्टेज शो किए हैं, बहुत ही बवाल स्टेज शो। बहुत जल्द हमारे चैनल से आएगा इनका स्टेज शो। चलिए उनसे थोड़ा अच्छा अच्छा सवाल करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ देखिए ये हैं, जो कि बहुत दूर से अकेले सफर करके यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, और इनको सपोर्ट कीजिए। कहाँ से ये इतना कला जो है, कहाँ से सीखे हो, इतना उभर के कहाँ से आया? अपना ही चल के बैठ के उठ के लपक के। मेरा घर है कौआ कोलतरम, नवादा जिला। तो अभी तो तुम्हारा पढ़ने लिखने का उम्र है, तो लेकिन सिंगिंग लाइन में कैसे ध्यान भटक गया? भटक गया, हम सिंगिंग ही करेंगे बस। पढ़ाई लिखाई करो? हाँ, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई भी होता है। तुम्हारा सबसे फेवरेट सिंगर कौन है, जिससे तुम यहाँ तक सीख के यहाँ तक अभी तक आए और स्टेज को संभाल ले रहे हो, इतना सारे पब्लिक को संभाल ले रहे हो? आशीष यादव। तो तमाम जितने भी अभी तो तुमने जो प्रोग्राम किया, आपने जो प्रोग्राम किया, सबको झुमा दिया, सब जो भी आपके अंदर कला है वो आशीष भैया को देखते देखते उभर के आया। अच्छा, आशीष भैया का एक सॉन्ग सुनाना अपना दिल के करीब। हाँ, सुनाते हैं। कानन कान बहु गे जानू जखनी बैठा अमी गे तू सफरिया, अगे किए कानन कान बहु गे जानू जखनी बैठा मी सफरिया, अगे सुतमी जे पिय के से जरिया मोर दिलवा में उठल लहरिया, अगे सुतमी जे पिय के से जरिया मोर दिलवा मैं उठा लो लहरिया। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना छोटे कलाकार जो हो के भी इतना सुंदर गाना गा रहे हैं, और ये इनके टैलेंट को आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे सभी के ऊपर, सभी के पास पहुंचाइए। और आप देखिए और भी आगे आपके आशीष यादव का सुपर सुपर हिट हिट गाना यहाँ पर सुनाएंगे। आगे कोई और एक ऐसा गाना सुना दिए जो कि आपके दिल के करीब हो, आशीष भैया का गाना। आशीष भैया का गाना जो गुरु है आपके। हाँ, तो ये गाना आशीष भैया का है कि गबना करा के ललकै बलमुआ पलंग पर नै चढ़ो है रे, गबना करा के ललकै बलमुआ और पलंग पर नै चढ़ो है रे। धोड़ी पर है रही 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 धोड़ी पर दिया बा बरू है गे, अभी ले पिया बा पढ़ो है गे। धोड़ी पर दिया बा बरू है गे, अभी ले पिया बा पढ़ो है गे। देखी के एकर रहनिया हमर माथा दर्द करू है गे, देखी के एकर रानिया हमर माथा दर्द करो है गे। धोड़ी पर रही 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 धोड़ी पर दिया बा बरू है गे, अभी ले पिया बा पढ़ो है गे। अच्छा, ये आप छोटे कलाकार हो के इतना इतना कैसे याद हो जाता है आपको गाना? आपसे क्वेश्चन है मेरा, अभी तो तुम अभी छोटे हो, अभी सिंगिंग लाइन में कदम रख रहे हो, का दो गाना आपका ऐसा हुआ जो कि वायरल हुआ?
मेरा रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुआ पर है कि दिहिला तोड़ी देनी और जकर दवैया नहीं मिलो हाओ, दिहिला तोड़ी देनी जकर दवैया नहीं मिलो हाओ, और हमर दिला वाला हरो जैसे तितमर चैया लारू हाओ, हमर दिला वाला हरो जैसे तितमर चैया लारू हाओ, आगे दिहिला तोड़ी देनी आ जकर दवैया नहीं मिलो हाओ, दिहिला तोड़ी देनी अजय कर दवैया नहीं मिलो हौ, हमारा दिला वाला हारो जैसे ती तुम्हारा चैया लारो हौ। तो आपने देखा छोटे उस्ताद छोटे कलाकार, देखे छोटे कलाकार प्रिंस यादव का कितना सुंदर गाना जो कि बिल्कुल न्यू ट्रैक पर गाए, और ये भी गाना गाएंगे तो ये बवाल जाएगा, और इनको प्रिंस यादव बोल लीजिए या तो मगही के छोटे आशीष यादव बोल लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। आशीष भैया का भी गाना सुनाते हैं और अपना खुद का गाना लिखा हुआ जो कि खुद लिखे हैं और खुद गा के सुनाते हैं, जो कि अगर रिलीज हो जाए तो रिकॉर्ड तोड़ देगा, पढ़ाने के आगे भी बढ़ जाएंगे तब पर भी अश्लील गाएंगे। उतना नहीं अश्लील, साइड सॉन्ग ज्यादा गाएंगे। साइड सॉन्ग ज्यादा कोई दिल तोड़ा है क्या? नहीं तो हो भी सकता है कि छोटा छोटा हमारा बिहार का ऐसा टैलेंट होगा तो जलाते हुए घूमने लगता है। एक्टर में आपको कौन सा एक्टर ज्यादा पसंद है, जो सुंदर हो, डांस करने में सुशील हो, अच्छा हो, कौन सा एक्टर आपको पसंद है दिल से? मगही में बता दीजिए आपको एक्टर कौन पसंद है? हमको तो मुस्कान। मुस्कान से अगर मैं उम्र का कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता है तो अगर उनसे मौका मिल जाए सगाई करने का, विवाह करने का, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? हम क्या बोलेंगे, जो लड़का लड़की का प्रेमी इसे कोई पैसा से नहीं किन सकता है। वो तो सही है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहिएगा? अगर आपको मौका मिल जाए उसके साथ, मतलब मैरिज उरेज का तो ऑफर मिल जाए, तो आप उसको अपनाइएगा या ठुकराइएगा? क्या चीज का ऑफर? मुस्कान केटी का अपनाएंगे, अपनाएंगे हम। अच्छा, तो मुस्कान केटी को कैसे कमाइए, कैसे खिलाइएगा आप? लेंगे मित्रों, और क्या कमा के खिलाएगा? सिंगिंग लाइन से? हाँ, सिंगिंग लाइन से। नवादा के भाई साहब, मगही में अगर देखा जाए नवादा में खदान है मगही का, लेकिन फिर एक खदान मिल गए छोटे भाई साहब जो कि सिंगर। तो आपने देखा कि छोटे सरकार, छोटे सिंगर, छोटे आशीष यादव बोल लीजिए, जो कि कौवा कॉल नवादा जिला से हैं और बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक स्टेज पर पहुंचे हैं, और हम हमारे चैनल के माध्यम से इनका वीडियो आएगा, पूरा पब्लिक को ये झुमा दिए हैं एकदम अपने गाने को, अपने सिंगिंग को लेकर के, और आगे जो है सो इनके साथ भैया भी हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और अपना नाम बता दिए भैया? मेरा नाम मेरा नाम कार्तिक पटेल हुआ, मेरा घर लखीसराय जिला हुआ, कुंदर पंचायत से। अच्छा, आप इनको आगे बढ़ाने में आपका क्या क्या सहयोग रहेगा? हम यही कहेंगे इन चैनल के माध्यम से, इसको जो है ना हम गाना लिखते हैं, गाते हैं, इसको सपोर्ट करें, गाना लिख के फ्री देंगे इसको। अच्छा, फ्री देते हैं? जी, फ्री देंगे। तो तमाम जितने भी मगही के कलाकार, बड़े बड़े स्टार हैं, देखने वाले हैं सभी लोग, देखिए, और छोटे कलाकार बिहार के मगही के आगे आगे युवा कलाकार और भविष्य, जो कि सिंगिंग लाइन के भविष्य होने वाले हैं, छोटे छोटे आशीष यादव, प्रिंस यादव बोल लीजिए, छोटे आशीष यादव बोल लीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे ऐसे नए नए तमाम कलाकार को आपको वीडियो जो है आता रहे। धन्यवाद।